हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए स्ट्रीट स्टाइल मैगी। भाई, बच्चों के लिए भी कुछ ध्यान रखना पड़ेगा ना, उनकी भी पसंद का कुछ होना चाहिए। तो ये देखिए, मैंने पहले भी मैगी की एक वीडियो डाली हुई है अपने उसमें, और मैगी बॉईल करके ना उसमें थोड़ा हल्दी थोड़ा नमक डाल के, एक चम्मच तेल डालकर बॉईल करने के बाद मैंने उसको स्ट्रेन कर लिया नूडल्स की तरह। तो वो रेसिपी में आप जाकर देख सकते हैं, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने ऐसे लिया है। और इसमें डाल दिया है मैंने, ये 2 पैकेट लिया है और 2 पैकेट ही इसमें ये मसाला डाल दिया है जो मैगी के पैकेट में मैगी मसाला आता है। इसके बाद हम लेंगे नमक स्वाद के अनुसार। ये 2 प्याज को मैंने ऐसे स्लाइस में काट कर लिया है, ये एक चीज का क्यूब लिया है, ऑयल है, रेड चिली सॉस है, डार्क सोया सॉस है, ये टोमेटो केचप है, आधे से थोड़ी सी ज्यादा रेड बेल पेपर को मैंने ऐसे स्लाइस कर लिया है, कैप्सिकम हरी शिमला मिर्च को मैंने स्लाइस कर लिया है, और ये पीला बेल पेपर को भी मैंने ऐसे स्लाइस कर लिया है। आप चाहें तो जो सब्जी आपके पास है, आज मेरे पास यही थी तो मैंने सोचा क्यों ना इससे एक रेसिपी बनाई जाइए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमने पैन ले लिया है और पैन में हमने ऑयल डाल दिया है, उसमें डाल रहे हैं हम ये प्याज। और हमें ना ये सब हाई फ्लेम पे करना है, जैसे चाइनीज रेसिपी बनाते समय आप सब्जियां सॉटे करते हैं ना, उस तरीके से आप इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे। और ये देखिए जो मैगी है ना, वो भी कैसे खिली खिली है, अब ठंडी हो गई है, ये बिल्कुल खिली खिली बनी है। तो इसमें हमने मसाला ऑलरेडी डाल दिया है, तो आपकी इस तरह से होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ हम रेड बेल पेपर डालेंगे, येलो और ये ग्रीन, इनको भी ऐसे सॉटे करेंगे। आपके पास पत्ता गोभी है आप पत्ता गोभी ले सकते हैं, आपके पास गाजर है आप गाजर ले सकते हैं। मुझे लगा ये कलरफुल इस तरह से बनाते हैं, कुछ टेम्पटिंग बनाते हैं तो ये बहुत अच्छा लगेगा। और सब्जियों को हमें क्रंची रखना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। मैं 350 अबव वीडियोस डाल चुकी हूँ, रेसिपीज डाल चुकी हूँ, आप जरा जाकर उनको चेक जरूर कीजिए। मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ब्रेकफास्ट के आइटम्स हैं, ब्रेड के हैं, डिजर्ट्स हैं, तो आप उसमें भी जाकर अपनी पसंद की डिशेस देख सकते हैं। तो ये देखिए, हमें इनको क्रंची ही रखना है। हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार, ये थोड़ी सी हम डालेंगे रेड चिली सॉस और इसको करेंगे मिक्स। नमक हमने डाल दिया है और सब्जियां हमारी हो गई हैं, तो इस समय हम डालेंगे इसमें मैगी। ये देखिए खिली खिली मैगी, वाओ, बहुत यम्मी, बहुत अच्छा लगता है जब अपने हाथ की रेसिपी अच्छी बनती है, तो आप जरूर ट्राई कीजिए। और मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी, बहुत लोग कुकिंग से ऐसे नफरत करते हैं कि नहीं ये क्या काम है, पर ऐसा नहीं है, ये भी स्ट्रेस बस्टर है। जब आप कुछ अपने पसंद की छोटी सी हल्की सी चीज़ बनाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा वाओ कितनी खुशी मिलती है। इसको करते हैं अच्छे से मिक्स। 1/4 टीस्पून के करीब हम डालेंगे सोया सॉस, बहुत ही कम हमें डालनी है। 1 टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें टोमेटो केचप, देखो कितनी यमी लग रही है। और मिक्स करके आप देख लीजिएगा, मिक्स करके टेस्ट करके कि क्या चीज आपको इसमें कम लग रही है उसको ऐड कर दें। ये देखिए क्या खूबसूरत कलर इसमें आया है मैगी का। इसको करते हैं अच्छे से मिक्स। हमने नमक वगैरह अच्छे से देख लिया है और ये देखिए आप कितनी खिली खिली मैगी बनी है और बिल्कुल बढ़िया, देखने में भी सुंदर और खाने में भी सुंदर। तो आइए करते हैं इसकी प्लेटिंग, 5 मिनट के अंदर अंदर आप मैगी बना लेंगे ये। तो ये देखिए लग रही है ना यम्मी, बहुत ही टेस्टी लग रही है, जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।